तो ये जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें आप लोगों को आई का मान फाइंड करना है। अगर मान लो एग्जामिनर टफ एग्जाम बनाता है, तो इस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है। और अगर इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और हम लोगों ने कर दिया, तो हम उन बच्चों से आगे चले जाएंगे जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी ज्यादा नहीं करी होगी, ठीक है, या ज्यादा डीपली नहीं करी होगी, तो हम उन बच्चों से आगे चले जाएंगे। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर एक तो 5 वोल्ट की मुझे बैटरी लगी हुई मिल रही है बच्चों, एक 10 वोल्ट की मिल रही है और एक 20 वोल्ट की मिल रही है। आई होप कि आप लोगों ने अब तक ये क्लास पहली बार देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, और वो भी आईटीआई लेवल के बच्चे, ठीक है। लेकिन है तुम्हारे ये आईटीआई लेवल की, ठीक है, ध्यान रखना ये आईटीआई लेवल की ही क्लास है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई आपा डिप्लोमा लेवल का चलेंगे या कुछ और लेके चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आईटीआई लेवल की क्लास है और यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा आई का मान फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों तुम लोग क्या मानोगे, यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, एक नोड या जंक्शन दिख रहा है जिसका नाम दे दिया मान लो मैंने VA, क्योंकि यहाँ मुझे पता नहीं है इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी लगी हुई है। दूसरा मुझे यहाँ ये भी नहीं पता कि टोटल मेरा करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखा है मुझे, यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 20 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब मुझे चीज देखनी है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो अब बच्चों मुझे चीज देखनी है कि मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो आई का मान फाइंड करना है। अगर मैं बात करूं इस सर्किट में, तो आई इक्वल टू क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी बटे आर होता है, ये चीज तो पढ़ी है तुम लोगों ने। लेकिन तुम्हें यहाँ पे पता है कि V का मान यहाँ तो इतना है, लेकिन तुम्हें टोटल वोल्टेज तो नहीं पता ना, टोटल वोल्टेज तो नहीं पता कि यहाँ VA पे टोटल वोल्टेज कितनी है, तो कैसे निकालोगे। देखो तो I इक्वल टू इसको मान लिया मान लो V, और एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा ही यहाँ पे क्या होगा, जीरो मान होगा। और ये क्वेश्चन किस चीज का है बच्चों, तो ये है मेरा KCL का। KCL कौन सा है, किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ के पहले नियम पे ये क्वेश्चन है KCL का, ठीक है। तो VA मान लिया मैंने, ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं कि भैया मेरा एक वोल्टेज लगा हुआ है जिसका मान है VA। अब करंट क्या है, मेरा दो डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो करंट मेरा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। और जब आपको करंट की डायरेक्शन ना दी हो, तो आप कोई भी मान सकते हो, एक चीज ध्यान रखना। चलिए तो V की जगह मैंने क्या लिख लिया, VA लिख लिया बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर सिंबल किसका है, प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो अगर ये फॉर्मूला करते हैं आप, तो जो यहाँ से सिंबल जा रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस पे खत्म हो रहा है, तो सिंबल हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पे जा रहा है, तो माइनस कितने वोल्ट की लगी है, 10 की लगी है, बटे आर का मान कितना दे रखा है तुम्हें, आर का मान दे रखा है यहाँ पे 2 ओम। इस फॉर्मूले से हम आई निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। अब मुझे आई निकालना है, तो आई निकालूंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास VA का मान नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास VA का मान नहीं है, तो कैसे निकालूंगा, चलिए तो अब देखते हैं आपा इस सर्किट में चलते हैं। तो इस सर्किट में चलते हैं, तो क्या क्या चीजें निकालेंगे बच्चों, VA माइनस कितना ओम आ रहा है, 5 ओम का आ रहा है। तो पहले लिखोगे आप VA माइनस 5 बटे, प्रतिरोध कितना लगा इसमें, 2 लगा है, प्लस का निशान लगाओगे। अब इस सर्किट में चलते हैं आपा, तो इस सर्किट में क्या है, VA माइनस, ठीक है, माइनस क्यों लगाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे माइनस पे है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सिंबल को क्या कर दोगे, डायरेक्टली तुम लोग उल्टा कर दोगे, -20/2 ओम आ जाएगा। अब इसमें चलते हैं प्लस, तो VA लेंगे, तो VA माइनस कितना है बच्चों, 10 बटे कितना आ जाएगा मेरा, 2 ओम आ जाएगा। तो यहां से तुम लोग क्या ले सकते हो, एलसीएम ले लोगे, यहां से तुम्हें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है इसका, तो इसका एलसीएम इक्वल टू लगाओगे, इक्वल टू 0, यहां से एलसीएम आ गया बच्चों इसका 2, ठीक है, ध्यान से समझना। 2 एकम 2 मतलब कितना बच गया, VA माइनस 5 प्लस VA माइनस 5 प्लस VA माइनस 20 प्लस VA माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ये चीज आ गई। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो कहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी मेरी, नेक्स्ट आ जाएगी कि ये 2 है जो इस साइड चला जाएगा, तो कितना आ गया, VA माइनस 5 प्लस VA माइनस कितना आ रहा है बच्चों, 20 प्लस VA माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया, जब ये 2 इस साइड चला गया, देखो इस साइड चला गया, अब तिरछा गुणा करते हैं, तो 2 का 0 के साथ गुणा करते हैं, तो बच्चों कितना आ गया,
जीरो आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहली बार करवा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि केसीएल का मैंने कल क्वेश्चन देखा था, एक एग्जाम था यूपीपीसीएल का, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ रखा था, जिसमें तुम लोगों से क्या पूछा है, आई का मान पूछा है। केसीएल का नियम दो तरीके से लगा सकते हैं। देखो, केसीएल का नियम तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि संगम बिंदु पर आने वाली धारा और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये चीज पढ़ सकते हो तुम लोग, आई प्लस, जैसे मान लो इसको मान लिया मैंने आई वन और इसको मान लिया मैंने आई टू, आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या होगी, जीरो। संगम बिंदु पर जो आएगा करंट और संगम बिंदु पर जाएगा करंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तो ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, तो बच्चों कितना बच गया, तीन वी ए, और ये कितना, माइनस का 10, माइनस का 20 और माइनस का 5, यानी कि माइनस का 35 इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों, जीरो आ गया। तो यहाँ पे तीन वी ए इक्वल टू कितना आ गया, तीन वी ए इक्वल टू आ गया 35, या वी ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, वी ए इक्वल टू आ गया 35/3, तो ये आ जाएगा मेरा 11, ये 33 और 0.66। ठीक है, तो यहां से वी ए का मान मेरा कितना आ गया, 11.66 आ गया। ठीक है, वी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 11.66 आ गई। अब मुझे चीज देखना है आई का मान कैसे निकालूंगा, तो यहां से मेरा वी ए का मान आ गया, मुझे आई का मान निकालना है, तो आई का मान निकालते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आई इक्वल टू यहां निकाल लू, आई इक्वल टू क्या है, वी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 11.66 माइनस कितना लिखा है 10/2, यानी कितना आ गया 1.66/2। अब इसमें भाग दे के देखोगे आप 166 में, तो ये आता है लगभग 0.8 के लगभग आएगा बच्चों। ठीक है, 0.1 एम्पियर के लगभग आएगा। तो टोटल करंट का मान कितना आ गया इसमें, टोटल करंट का मान आ गया जीरो। इसमें आप लोगों को क्या करना है, नोड मानना है, नोड मानोगे तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, नोड पे क्या मानोगे, वोल्टेज मान लिया मैंने वी ए है, वी ए वोल्टेज से चला हूं मैं। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन तुम कोई सी भी साइड मान सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर ध्यान रखना कि पहले तुम्हें क्या करना है, आई फाइंड करना है। अगर यहां पर आई फाइंड करोगे तो वी ए माइनस, माइनस क्यों लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते थे, अगर ये बैटरी का सिंबल इस साइड क्या होता, उल्टा जुड़ा होता, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता और यहाँ पे प्लस लगा होता तो वी ए प्लस 10 करते हम, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है क्या है मेरा बच्चों, प्लस लगा हुआ है, जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं, और तुम लोग बताना मुझे कि तुम्हें चीज समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कैसे चीज समझ सकते हैं, सिंपल वे में समझाता हूं तुम्हें कि कहां माइनस लगाना है, कहां प्लस लगाना है, कैसे हम लोग करेंगे। तो नई चीज देता हूं मैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो बताओ, मुझे पता है कि इसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इस टाइप का आपका केसीएल पहली बार देख रहे हो, क्योंकि अब तक आपने जितना भी केसीएल देखा है बच्चों सिर्फ इसी टाइप का देखा है। ठीक है, और कल ही मैंने क्वेश्चन देखा था, जिसके बाद मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन भी अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक है, अब तक तुम लोगों ने सिर्फ यही देखा है कि भैया ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, ये आई फोर है, ये मेरा आई फाइव है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या है, आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। ठीक है, अब तक सिर्फ यही क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा था, लेकिन एक केसीएल निकालने का एक अलग तरीका है, वो भी आज आप लोगों ने देखा है। तो एक बार बच्चों कमेंट करो कि चीजें समझ आई कि नहीं आई, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासें देखते हैं उनके भी कमेंट आने चाहिए कि भैया चीजें समझ आई कि नहीं आई तुम्हें। ठीक है, बड़ा अलग कंसेप्ट है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आया हुआ है आईटीआई वाले बच्चों के लिए। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर मान लो एचएसएससी डीपली में चली जाए, आई का फॉर्मूला में सर 10 आएगा क्या हर फॉर्मूले में, नहीं बच्चे, ये जो 10 जो आया है ये 10 इस बैटरी के कारण है। देखो ये चीज मैंने बताई कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी बटे आर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि वी टोटल है कितनी। ठीक है, तो वी ए माइनस 10, ये माइनस जो 10 मैंने करा है ये किसका करा है, इस बैटरी के लिए करा है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस 10 की बजाय अगर लगा होता, मान के चलता हूं मैं यहाँ पे माइनस 10 की जगह अगर माइनस 20 लगा होता तो आई माइनस 20 करता मैं। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मेरा सिंबल इस हिसाब से होता, जैसे सिंबल के हिसाब से बात करता हूँ मैं, ध्यान रखना, सिंबल अगर मान लो मेरा इस हिसाब से लगा होता, सिर्फ एक बार मान के ही चल रहा हूँ मैं,
अगर इस हिसाब से लगा होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, और यहाँ मान लो 20 लगा होता, या यहाँ 10 ही मान के चलता हूँ क्योंकि पहले हम लोगों ने 10 पे इसको स्टार्ट करा है, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो वी प्लस 10 हो जाता क्योंकि यहाँ पे माइनस पे ये एंटर कर रहा है। सर मैं लेट हो गया, मुझे नहीं आया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, आ जाएगा, दोबारा बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। ये कल ही मैंने क्वेश्चन देखा है। और अगर आप लोग नॉलेज टीवी देसी ताऊ केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे पढ़ रहे हो तो फिर अगर एक्स्ट्रा चीज तुम्हें ना मिले तो बच्चों क्या फायदा पढ़ने का, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अगर मान लो कि यहाँ माइनस करते हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीच का सिंबल क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, मेरा प्लस में आ जाता, और यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाता, प्लस में आ जाता, ठीक है। अगर माइनस पे स्टार्ट हो रही है कोई चीज, जैसे करंट जा रहा है माइनस पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, इसका सिंबल बदल देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार हम उसी चीज पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने पहले करी थी। तो ये बना दिया हमने अपना डायग्राम, ठीक है, पहले वाला ये सिस्टम था। दोबारा बता देता हूं, अगर इस टाइप का तुम्हें सर्किट डायग्राम दे दे और पूछ ले कि बच्चों आई का मान बताओ, आई का मान क्या होगा, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बटे आर, तो हम लोगों ने ही पढ़ा है। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या होगा कि हमें यहाँ पर एक जंक्शन मानना है, नोड मानना है। मान लो कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मैंने कितनी मान ली, वी ए नाम की मान ली, सिर्फ मैंने मानी है। और जब तक आपको करंट की डायरेक्शन ना दी हो, आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, ध्यान रखना। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई का फॉर्मूला वी ए मतलब टोटल वोल्टेज माइनस, अगर इस बैटरी की वोल्टेज घटा दूंगा तो मेरी टोटल वोल्टेज आ जाएगी क्योंकि यहाँ नोड पे मेरी वोल्टेज माइनस इस बैटरी की वोल्टेज बटे आर, यानी कि इस लाइन का प्रतिरोध, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया अब इसको निकालेंगे कैसे, अगर इसमें मुझे आई निकालना होगा तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बटे आर होता है। लेकिन यहाँ पर भी मेरा एक वोल्टेज सोर्स लगा है, प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स प्रतिरोध लगा है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा। तो अब सारी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। अगर मान लो इस एक लाइन की निकालता हूँ मैं, इस लाइन में मेरा क्या कर रहा है, करंट जा रहा है, इस एक लाइन की निकालनी है मुझे, तो वी ए माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस प्लस की जगह क्या लगा आ जाएगा मेरा माइनस, बटे इस लाइन का प्रतिरोध कितना है मेरा, 2 है प्लस। दूसरी लाइन क्या है, वी ए माइनस, माइनस 20 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्लस 20 है, ठीक है, प्लस 20 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस 20 कर दूंगा, क्योंकि निशान मुझे बदलना है। ध्यान रखना कि बैटरी का सिंबल प्लस है या माइनस है, ये चीज ध्यान रखना। बटे इस लाइन का प्रतिरोध मेरा कितना है, 2 ओम है प्लस। तीसरी चीज क्या है, अब इस लाइन का करूंगा, इस लाइन का करता हूं, तो वी ए माइनस 10/2 प्रतिरोध आ जाएगा मेरा। अब इसको आगे जाके मैंने क्या कर लिया, इक्वल करके सोल्व कर लिया। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर समझना, इसको नोट करना है जिन बच्चों को, वो एक बार नोट करें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ ले, जैसे ये क्वेश्चन आया था बच्चों यूपीपीसीएल के एग्जाम में, ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया हुआ था, और एचएसएससी भी क्या कर सकती है, अगर हार्ड क्वेश्चन देती है तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकती है, ठीक है। और नियम कौन सा है, ये किरचॉफ का करंट लॉ, जो हम लोगों ने इस टाइप से पढ़ा था, इसको इस तरीके से भी दे दिया जाए तो तुम लोग कहीं पजल मत होना। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं बड़े सिंपल सिंपल तरीके के, ठीक है, निकालने का तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो क्लियर है, कर दो इसको रफ, दोबारा समझा दूंगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, शायद तुम्हें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक क्या दे दे, सीधा का सीधा क्वेश्चन दे दे, इस हिसाब से एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, दे दे दिया आपको कि भैया ए पॉइंट पे क्या है मेरा, 100 वोल्ट की सप्लाई है, बीच में रेजिस्टेंस मान लो लगा हुआ है मेरा 10 ओम का, और बी पॉइंट पे 80 मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। और यहां पे बच्चों तुम्हें करंट की डायरेक्शन दे दी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। अब पूछ ले कि आई का मान बताओ, आई का मान बताओ, ठीक है, तो जहां से मेरा करंट जा रहा है उस वैल्यू को आप लोग क्या मानोगे बच्चों, वी ए मानोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कैसे मानोगे, इस चीज को मान लिया तुम लोगों ने वी ए, क्योंकि करंट क्या निकल रहा है, यहां से निकल के इधर जा रहा है ना मेरा, ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम लोगों ने क्या मान लिया, वी ए मान लिया, माइनस ये जगह बच्चों क्या है मेरी, 80 है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, निशानी दीवार, करंट जा रहा है, करंट हमेशा क्या जा रहा है, मान लो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो प्लस दे दिया, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बटे 80,
माइनस का, क्योंकि निशान बदला है हम लोगों ने, बटे प्रतिरोध आ जाएगा। अगर यहां से तुम्हें आई निकालना हो तो यहां पर वी ए का मान बच्चों तुम्हें कितना दिया है, वी ए का मान दिया है 100 माइनस 80 बटे 10, यानी कि 20 बटे 10 आ जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट इसमें से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। एक तो ये न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा न्यूमेरिकल मान लो तुम्हें दे दे बच्चों कि माइनस 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, और यहां पे दे दिया तुम्हें प्लस 80 का, और बच्चों करंट की डायरेक्शन तुम्हें क्या दे दी, ये दे दी, ठीक है। तो अब तुम लोगों से पूछ ले कि आई का मान बताओ, आई का मान बताओ। हाँ जी, बता सकते हो आई का मान? फॉर्मूला वही होगा, वी ए माइनस 80, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा, तो वी ए की जगह क्या लिखूं, वी ए माइनस 80 लिखा था, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस का निशान है, मतलब ये चीज किस में आ जाएगी बच्चों, मेरी प्लस में, सॉरी प्लस में क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, बटे यहां पे रेजिस्टेंस मान लो मैंने लगा दिया 5 ओम का, ठीक है, तो बटे 5, तो क्या आ जाएगा, 80 प्लस 100 बटे 5, यानी कि 180 बटे 5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 36 एम्पियर। चलो हाँ जी, बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि कैसे आप लोगों को निकालना है? वी ए इस चीज को मानोगे कि यहां से मेरा करंट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वी ए प्लस, प्लस 80 क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू क्या है मेरी, माइनस में है, जब वैल्यू माइनस में है तो प्लस का निशान लगाऊंगा, यहां पर वैल्यू क्या थी बच्चों, प्लस में थी, जब वैल्यू मेरी प्लस में थी तो वहां पे मैंने माइनस का निशान लगाया, इस हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं, लिखो, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, तुम्हारे शुभ हाथों से ही होना चाहिए वो। तो नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर कि 100 से चला और करंट की डायरेक्शन बच्चों ये है, ठीक है, तो आई का मान बताओ, आई का मान बताओ। बताओ जी, आई का मान बताओ बच्चों। ये करने के बाद अपन ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने ये चीज नहीं करी और पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कैसे करोगे? और ये सारे के सारे नियम बच्चों किस पे है, मेरे केसीएल पे है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का जो पहला नियम है उस पे, ठीक है। चलो एप्लीकेशन एक बार कमेंट करके बताओ सारे के सारे बच्चे की चीजें बच्चों तुम्हें समझ आ रही है कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कल को ये ना बोलना कि मास्टर जी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आप हमें करवाया ही नहीं, सिंपल सा दे देंगे, एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, देखो बच्चों कि आई का मान बताओ, लेकिन जब तुम्हें तरीका ही नहीं पता होगा तो तुम क्या आई का मान बताओगे यार, हैं? तरीका पता होना बहुत जरूरी है। बताओ क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से कि इसमें आई का मान क्या होगा। लिखना वैसे ही है, स्टार्ट कहां से करना है, करंट की ये डायरेक्शन है तो कैसे स्टार्ट करोगे, माइनस 80, ये प्लस का 100 है तो इसको बदल दो भैया माइनस के 100 में, बटे क्या आ जाएगा, आर का मान कितना दे रखा है तुम्हें, यहां पे मान लो 10 दे रखा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 180 बटे 10, 18, 18 माइनस का 18 एम्पियर आएगा, तो ये कितना आ गया मेरा, माइनस का 18 एम्पियर आ गया बच्चों, सतीश चौहान, सिर्फ सतीश का आया है लेकिन इसने 18 बताया है, लेकिन तरीका थोड़ा सा भूल गया दोस्त, ओम क्या है, ये तो प्रतिरोध होता है, ओम क्या है मतलब समझ नहीं आया यार। तैयारी को पढ़ते रहो। चलो चीज समझ आई तुम्हें कि आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ओम एक मात्रक होता है प्रतिरोध का, तो यहां से मेरा क्या आ गया, ओम तो दे दो, तो ये तो प्रतिरोध ही है। जब आर लिख दिया तो समझ गए तुम लोग, समझ आ गई चीज कि कैसे निकालोगे। तो इस हिसाब से अगर तुम्हें एक एक लाइन का क्वेश्चन दे दे तो तुम आराम से निकाल सकते हो। बताओ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो बता देगा भाई, क्योंकि अलग कंसेप्ट, इसीलिए मैं करवा रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हारे लिए, बड़ा सिंपल से तरीके का क्वेश्चन होएगा, ठीक है? और एक एक लाइन में उसका आंसर आता है। आर क्या है इसमें? आर ये रहा 10 ओम, 10 ओम दे तो रखा है यार, आर 10 ओम लिखा है गुरमीत, ठीक है? जिस बच्चे ने 18 निकाला है उसने भी तो 10 ओम देख के निकाला होगा। चलो ये मैंने निकाल दिया जी सर जी, ठीक है अब लिखा है सर 10, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वीडियो 10 सेकंड लेट होती है तुम्हें पता होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा तुम्हें। एक न्यूमेरिकल और देता हूँ बच्चों तुम्हारे लिए, तुम क्या याद रखोगे कि आज मास्टर तगड़ी चीज करवा रहा है हमें, जो हम लोगों ने पहले कभी करी नहीं होगी। दोबारा करा दो सर, बिल्कुल गुरमीत दोबारा कराऊंगा, ठीक है? एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज मेरे ख्याल से तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन जब हमने इसको पेपर में पढ़ा तब हमें इस बारे में मालूम हुआ कि भैया ये चीज भी बच्चों को करवानी जरूरी है। एक और करा दो जी, करवा दूंगा करवा दूंगा। 5 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। आपको सिर्फ बैटरी के सिंबल देखने हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है किधर जा रहा है कुछ नहीं देखना। आप लोगों को सिर्फ बैटरी की डायरेक्शन देखनी है और करंट की डायरेक्शन आप लोगों को दी हुई मिलेगी। तो यहां पर पूछ लिया आई का मान बताओ, आई का मान बताओ, बैटरी की डायरेक्शन देख लेना और करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो चीजें देख लेना, ठीक है? सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलो तो करें स्टार्ट, वही करेंगे कि आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई इक्वल टू क्या होता है मेरा आई का फॉर्मूला, उसी टाइप से बनेगा ये भी मेरा आई निकालने का फॉर्मूला, भले ही ना ही लिखो इसमें। कहां से चल रहा है करंट मेरा? यहां से चला 100 से, सॉरी हाँ 10 वोल्ट से, तो यहां से चला 10 वोल्ट, ठीक है? फिर यहां पे क्या है, माइनस का निशान है बच्चों, तो यहां पे जो माइनस का निशान है इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस के निशान में कन्वर्ट कर दूंगा, बटे प्रतिरोध लिख दूंगा। प्रतिरोध कितना है यहाँ पे? 5 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 15/5, यानी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 एम्पियर, ठीक है? ध्यान रखना, ध्यान कैसे रखोगे कि यहां से चला है, मान लो करंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, यही है, ठीक है? ये है, यहां से चला तो +10 से चला, सही बात है, +10 से चला, आगे गए यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का निशान आ रहा है, यहां पे प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, तो जो माइनस का निशान है उसको मैं बदल दूंगा किसमें, प्लस में, अपोजिट निशान लगा दूंगा, तो 10 + 5 बटे प्रतिरोध लगा दिया मैंने 5, तो आई इक्वल टू क्या आ गया 15/5, यानी 3 एम्पियर आ गया मेरा। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कुछ ना समझ आया हो तो वो बताएगा। हाँ जी बताओ, 3 आ गया, वेरी गुड, जवाब आने लग गए बच्चों के फिर हैं। चलो क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े, एक न्यूमेरिकल और देता हूं तुम्हारे लिए, जो मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल करवाया था उसी न्यूमेरिकल के बेस पे एक न्यूमेरिकल होगा, तो उस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां देता हूं मैं एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी है मेरी, ठीक है? ये लो जी एक लगा दी आपने 100 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी, एक लगा दिया मैंने यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस। चलो भाई यहाँ पे एक ये चीज मैंने लगा दी, ठीक है? इसके साथ यहाँ पर मैंने एक 50 वोल्ट की और लगा दी बैटरी, ठीक है? तो ये मेरी कितने की है,
50 की है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस माना है मैंने 5 5 5 ओम का, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी मेरा क्या है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये मान लो कि 100 वोल्ट की बैटरी लगी और ये 50 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आई का मान बताना है, आई का मान बताओ। वीडियो 2 3 बार देखोगे, ठीक है, अगर तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी इस तरह की क्लास, तो वीडियो तुम्हें 2 3 बार देखने में समझ आएगी, ठीक है। एक बार में वीडियो समझ नहीं आने वाली है, मैं सर एग्जाम में या इमेज हमें भी बनानी पड़ेगी या स्टेटमेंट देंगे, नहीं, तुम्हें इमेज बनी हुई दी होगी, तुम्हें सिर्फ फाइंड करना है, तुम्हें सिर्फ फाइंड करना है, इमेज दी हुई मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, कैसे निकालोगे ये बताओ, कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो या मैं करवाऊं। अगर मुझे ही करवाना है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, और अगर तुम लोग कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारा 1 2 मिनट वेट करूंगा। बताओ बच्चों। आ गया जी समझ में सर, बहुत अच्छी बात है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल वाला कंसेप्ट होता है, तो यहां पर तुम्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या मानोगे, सबसे पहले बच्चों तुम्हें नोड मानना है, ठीक है, नोड या जंक्शन मानना है कि इसमें कितने नोड या जंक्शन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनते हैं नोड या जंक्शन, एक तो ये बनता है मेरा नोड या जंक्शन, एक ये बनता है नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन कौन सी चीज होती है, तो इसमें लिखोगे नोड लगा के, सबसे पहले तो यहां लिखोगे तुम लोग सबसे पहले, सबसे पहले हमें नोड या जंक्शन मानना है, जंक्शन देखना है, मानना नहीं है देखना है, क्योंकि दिया हुआ है। और केसीएल समीकरण क्या होती है, केसीएल समीकरण होती है एन माइनस वन, ठीक है, एन क्या है नोड या जंक्शन है, और एन माइनस वन आ जाएगा। वेरी गुड, संदीप ने निकाला है 10 एम्पियर करंट, बहुत अच्छी बात है बच्चे, दी बेस्ट है, ठीक है। तो केसीएल समीकरण क्या कह, केसीएल समीकरण कितनी बनेगी, एन माइनस वन यानी कि 2 माइनस 1 यानी 1 बनेगी। केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, 2 माइनस 1 यानी मेरी कितनी बनेगी, 1 बनेगी। संदीप के अलावा और कोई बच्चा जो एग्जाम इसको कर पाए, क्योंकि चीज मैंने बता दी, तरीका मैंने बता दिया, करना अब तुम लोगों को है, ठीक है। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है, टोटल आई प्लस आई वन, जैसे मान लो इसको मैंने आई वन मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, आई टू मान लिया, इसकी ये डायरेक्शन मान ली और इसकी डायरेक्शन ये वाली मान ली, ठीक है, प्लस आई वन प्लस आई टू इक्वल टू क्या है मेरी, 0 है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, केसीएल समीकरण है, जो बोलती है कि संगम बिंदु पर आने वाली धारा और संगम बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अगर यहां पे मानता हूं मैं वी ए है, तो इस पॉइंट पे मेरा करंट का मान या वोल्टेज की मान क्या होगी बच्चों, 0 होगी। सतीश चौहान ने 5 एम्पियर निकाला है, कोई ना करके देखते हैं। तो यहां पे तो करंट का मान या वोल्टेज का मान क्या होगा मेरा, 0 होगा। तो क्या करता हूं मैं, वी ए से इस साइड जाता हूं, तो क्या होता है आई इक्वल टू क्या है बच्चों, वी ए माइनस, यहाँ कोई भी मेरा क्या है वोल्टेज सोर्स या सप्लाई सोर्स नहीं लगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। बट्टे प्रतिरोध कितना है मेरा, 5 लगा हुआ है। अब प्लस का निशान लगाता हूँ, अब इस सर्किट में देखता हूँ, इस लूप में देखूंगा, इस लूप में देखूंगा, तो क्या है वी ए माइनस, यहाँ क्या है प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ माइनस का लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, -50/5 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे सर्किट की, तो तीसरे सर्किट में वी ए, यहाँ पे ये किसका है बच्चों, प्लस का निशान है, ये मेरा किसका है, माइनस का निशान है, तो प्लस प्लस के अंदर जा रही है हमारी, तो प्लस के अंदर जा रही है, तो क्या लिखूंगा, -100। गुरमीत 100, वेरी गुड। चलिए तो यहां से आ गया मेरा 5। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू कर दिया मैंने 0, ठीक है। एक बार इसको छोड़ो, आई को एक समीकरण ही लिख लो पूरी की पूरी, तो ये समीकरण बन गई बच्चों मेरी, तो ये बन गई मेरी, एक ही समीकरण बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब एक समीकरण मैंने बनाई, तो यहां से मैंने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। लघुत्तम समापवर्त्य तो पता है तुम्हें कि लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं, तो ये मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां से 5 एक एक बच रहा है, एक एक का ऊपर गुणा करूंगा, तो ये आ गया वी ए, ठीक है, प्लस वी ए माइनस 50, वी ए माइनस 50 प्लस वी ए माइनस 100 इक्वल टू 0,
चलो जी थोड़ा ऊपर हो जाओ मालिक आप। ये हो गया हमारा थोड़ा सा ऊपर। अब बात करते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, जब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो वी ए प्लस वी ए माइनस 50 प्लस वी ए माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि ये वाला 5 है ये उस साइड चला गया। जब 5 का 0 के साथ मैं गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। चलिए तो यहां पर एक वी ए, दो वी ए और तीन वी ए, तो 3 वी ए माइनस 50 और माइनस 100 यानी कि माइनस का कितना आ गया, 150 आ गया मेरा। 3 वी ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 150 आ गया, इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया। तो वी ए इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों, 3 वी ए इक्वल टू 150 हो गया, तो वी ए इक्वल टू कितना हो गया, 150/3 यानी वी ए का मान आ गया मेरा 50। यहाँ पे वी ए का मान कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया। ठीक है चलो इसको लिख लिया मैंने, वी ए का मान लिख दिया 50 वोल्ट, यहां से वी ए निकाल दिया मैंने। अब क्या होता है, अब मुझे क्या पूछा है, इसमें धारा पूछी है, इसमें धारा पूछी है तो कैसे निकालोगे आप लोग, तो इसमें धारा निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर एक और कुछ चीज तो दे नहीं रखी, तो आई बराबर क्या होता है, वैसे तो होता है वी ए माइनस, अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा होता वो लगा देते, अगर वो नहीं लगा हुआ है तो सीधा का सीधा हम लोग क्या कर देंगे, आई इक्वल टू क्या आ गया, वी ए बटे आर आ गया। तो वी ए का मान तुम्हें दिया है 50 और आर का मान यहाँ पे कितना दिया है बच्चों, 5 ओम, तो ये आ गया मेरा 10 एम्पियर। तो आशा करता हूं कि चीज तुम्हारी क्लियर हुई होगी कि I इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 एम्पियर, और इज दिस आवर राइट आंसर। ठीक है ये अपना सही आंसर आ गया इसमें। बताओ जो भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ तो उनको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ जी। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, 10 एम्पियर मेरा करंट आ गया। बताओ कोई डाउट किसी भी बच्चे को, एनीवन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, और इतने अच्छे से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है और आशा करता हूं कि तुम्हें चीज समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े।